इस समय हम सेवन वंडर्स पार्क में आए हुए हैं, जो कि सराय काले खां के पास ही है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है सराय काले खां से। ये देखिए आप, ये देखिए सामने, ये भी काफ़ी पानी के पीने का इंतज़ाम भी है। ये टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं लेडीज़ जेंट्स अलग अलग टाइम। ये जेंट्स टॉयलेट है, उधर लेडीज़ टॉयलेट है। और वो सामने देखिए आप, गेट कितना सुंदर बनाया गया है। ये देखिए कितना अच्छा, कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर फवारे के पास, फाउंटेन के पास। आगे चलते हैं, देखिए लोग, आज संडे है इस वजह से लोग काफ़ी आ रखे हैं। और ये देखिए ग्रीन फ्लावर्स कितने सुंदर सुंदर हैं, आप देखिएगा ज़रा। अब देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। सफाई बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया था आपको, जैसे कि 65 ईयर से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके लिए एंट्री फ्री है, पर उनको एज प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपना। हाँ, उस समय हम इस समय आ गए हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारा ये जो बना है, एक साल का टाइम लगा है इसको बनने में। और इसको ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना है, जो भी स्कूटर के और मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं, जो रिक्शे के जो रिम वगैरह, इन चीज़ों से मिला के ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। रेलिंग फ्रॉम पार्ट, ये देखिए बना है एंगल्स फ्रॉम रेलिंग फ्रॉम पार्ट्स। ये देखिए हाइट 23 फीट है इसकी, विथ 28 फीट, लेंथ 28 फीट। पाइप से बना है, मटेरियल इसमें यूज हुआ है फ्रेमवर्क मेड ऑफ पाइप, 110 लेयर्स ऑफ एंगल, 1.5 इंच एंगल यूज, स्क्रैप मटेरियल शीट फ्रॉम ट्रक्स, उसका भी यूज हुआ है इसमें। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, आगे बढ़ती हूँ। एक तो मैंने आपको दिखा दिया सेवन वंडर में से, एक हमने देख लिया है। और मैं आपको बता रही थी, देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल मन को सुकून मिलता है, मन करता है कुछ घंटे यहीं पर ही बिता दिए जाए। देखिए बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। अब देखिए, तो ये मैं कह रही थी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे एंट्री फ्री है, पर उनको ग्रुप्स में आना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अगर दूसरे स्कूलों के बच्चे हैं वो टीचर के साथ आ सकते हैं, तो उनकी टिकट 20 रुपीज़ होगी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मंडे को ये बंद होगा, ये ट्यूसडे से लेके जो है संडे तक ओपन है। इसका टाइमिंग है 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। रात को भी ये खुला है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का अच्छा इंतज़ाम है, जिसकी वजह से ये जो सारे के सेवन वंडर्स हैं ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी आपको मैंने गीज़ा का वो दिखाया था, लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। अब आ रहे हैं सेकंड वाले के ऊपर, ये है आपकी, ये देखिए इसके बारे में बताती हूँ। ये इमारत थोड़ी टेढ़ी हो रखी है पर गिरेगी नहीं, वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, इसके बारे में बताया है। एप्रोप्रिएट डायमेंशन है, हाइट है 39 फीट विथ 10 फीट, लेंथ इसकी 10 फीट है। और इसमें जो
मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, इसमें केबल्स वायर यूज़ किए हैं, केबल वायर, व्हील्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ट्रक का मेटल शीट, क्लच प्लेट, एंगल्स वगैरह यूज़ हुए हैं, और जो इसकी बेल्ट हैं वो पाइप से बनी हैं। यह है लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। देखिए आप इसकी, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो सेकंड वाले पे हम पहुँच गए हैं, आगे बढ़ती हूँ। घास बहुत अच्छी है, और ये देखिए फ्लावर किसके साइड साइड में लगा रखे हैं, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर आकर, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। एक अलग ही जगह पे आ गए हैं जैसे। ये देखिए फ्लावर्स, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, बिल्कुल मुगल गार्डन की याद आ रही है। और ये देखिए, आ गए हम, पहुंच गए एफिल टावर के पास। आ गए हम एफिल टावर के पास, यहाँ लोग अब एफिल टावर देखने फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, अब वो भी है सारे सेवन वंडर्स दिल्ली में ही देख लीजिएगा। राजस्थान के कोटा में भी एफिल में भी वंडर पार्क है। अब देखे एफिल टावर, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में जानकारी दे रखी है। ये देखिए एफिल टावर, एफिल टावर का इसका निर्माण 1887 से 1889 में पेरिस में हुआ था, एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी के दौरान किया गया था। इसका एंटीना 320.75 मीटर ऊंचा और ये स्टील से बना है, और ये पेरिस में है, फ्रांस में, और जिसको हम, इसकी ऊंचाई 1063 फीट है एंटीना के साथ। और इसके इंजीनियर का नाम गुस्ता कैफिल, वास्तुकार जो थे स्टीफन सर्वस थे। एनुअल विजिटर 7 मिलियन, प्लीज डोंट टच, ₹1000 फाइन लगेगा अगर आप हाथ लगाएंगे तो। ये देखिए रेस टू वंडर एफिल टावर, ट्रक पेट्रोल टैंक यूज़ किया गया है इसमें, 3 to 4 inch के एंगल्स, 5 inch के एंगल्स, गार्डन रेलिंग पार्ट्स, इसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ, और सी चैनल्स, ये सारे देखिए इसको बनाने में यूज़ हुए हैं। इसकी हाइट 70 feet है विथ 27 feet, लेंथ 27 feet। और बस में बताया मैंने कि आपको ट्रक पेट्रोल टैंक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लच प्लेट्स और सीज चैनल्स, एंगल्स ऑफ 3 inch, 4 inch, 5 inch के यूज हुए हैं। और इसमें कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया है, और इसको बनने में 130 days लगे। देखिए फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, फ्लावर्स इतने सुंदर हैं यहाँ पर। ये देखिए एफिल टावर, आगे लेके चलती हूँ आपको। हाँ तो मैं आपको बता रही थी 65 years से जो ऊपर के लोग हैं एज के, वो एज प्रूफ दिखाकर जो है फ्री में एंट्री कर सकते हैं। MCD के स्कूल के बच्चे भी फ्री में एंट्री कर सकते हैं, टीचर्स के साथ आए तो। बैठने का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे, देखिए आप। नहीं आगे देख, थोड़ी देखना ये ग्रीनरी कितनी अच्छी है, ये भी तो दिखानी है, चला के चलते हैं। भी वीडियो ले लेना, मैं तो सारी बनाई है। अगर मेरे में मतलब कोई चीज नहीं आई होगी जो तेरे में आ गई वो ले। हाँ इसकी एंट्री टिकट 50 rupees है, और बच्चे जो 12 साल से कम एज के हैं, मतलब 12 साल से 3 से 12 साल के बच्चों की जो है वो 25 rupees टिकट है।
और 12 साल से ऊपर वाले बच्चों की 50 रुपीज ही है टिकट। और अंदर आके इंजॉय आप बहुत करोगे। आज देखो लोग बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए फ्लावर्स इतने अच्छे हैं। अब हम तीसरे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं तीसरा वंडर क्या है। अभी तक मेरे ख्याल दो वंडर देखे, एफिल टावर और तीन वंडर देख चुके हैं हम लोग। एफिल टावर, लीनिंग टावर, एफिल टावर और वो पिरामिड देखा है गीजा का, वो देखा है हमने। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। थोड़ा बंद छाई में आ जाती हूँ। ये देखिए जो आप विदेश में देखते थे उसको इंडिया में ही देखिए, दिल्ली में ही देखिए, इंडिया में भी नहीं दिल्ली में देखिए। देखिए कितना अच्छा इसका वो किया, पत्थर वत्थर डाल के कितने सुंदर लग रहे हैं वाइट पत्थर। रात को तो ये और भी अच्छा लगता होगा, इसमें लाइटनिंग होती है तो इसका व्यू कुछ अलग ही आता होगा, बहुत ही अच्छा व्यू आता होगा। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको, इसके बारे में दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है आपका छोड़ है, आपको पुलिस अंकल पकड़ लेंगे। ओके इसकी हाइट 16 फीट विथ 38 फीट लेंथ 49 फीट। इसमें 162 पिलर्स यूज हुए हैं। स्क्रैप रूम, चिल्ड्रंस पार्क, उसका स्क्रैप यूज किया, स्लाइड, स्विंग्स, सीसा और 410 कार व्हील्स टू मेक द आर्क कार पार्ट्स एंड और गियर्स, एंगल, स्क्वायर, मेटल पेपर, कितना इलेक्ट्रिक पोल्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, मेटल रेलिंग। आप देख रहे हो कितना अच्छा बनाया ये कोलोजियम, आपको दिखाती हूँ। ये हिंदी में इसके बारे में आगे दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा राउंड लगा के आते हैं, अच्छा लग रहा है। रात को घूमने में इससे भी ज़्यादा मज़ा आता होगा। ये देखिए प्लांट्स वगैरह, ग्रीन प्लांट्स कितने सही लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या ये वाले पेड़, पेड़ अच्छे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वंडर्स देखने के लिए। अब सामने क्या आ रहा है देखते हैं। अभी हमशेड़ी ने ये, साउथ हमशेड़ी ने ये बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए जगह जगह डस्टबिन लगाए हैं, पानी पीने का इंतजाम है, टॉयलेट की भी सुविधा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पे आ गए हैं, ये क्या है भाई, ताजमहल कहाँ है? अरे हाँ ताजमहल आ गया। इसके बाद मेरे ख्याल दो स्टैचू आएंगे। हाँ ताजमहल आ गया आपका, देखिएगा ताजमहल दिखाती। मेरी फोटो आ रही है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये देखिए आसपास का, उधर हमरे रियल को नेक्स्ट आ रहा है ताजमहल। इसकी हाइट 37 फीट विथ 43 फीट लेंथ 43 फीट, वेस्ट टू वंडर ताजमहल। हाँ इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, एंगल, स्ट्रक, कपबोर्ड शीट, नट्स बोल्ट, 1600 साइकिल रिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल, पाइप्स, पार्क बेंचेस, चिल्ड्रन स्विंग, ओल्ड अटेंसिल्स, कुकिंग कढ़ाई, कढ़ाई उसके गुंबद के लिए यूज़ हुई होगी, इसके गुंबद के लिए पुरानी कढ़ाई यूज़ हुई है। ये देखिए ऑल डोम्स आर मेड ऑफ टू पाइप्स कट इन टू पीसेस। ये देखिए जालीज फॉर डोर्स एंड विंडोज वर टेकन आउट ऑफ बेंचेस, कितना सही इस्तेमाल किया है वेस्ट मटेरियल का। आप देख ही रहे हैं इस तरह की चीज़ें आगे भविष्य में भी बननी चाहिए इंडिया के अंदर। वेस्ट मटेरियल का बहुत ही सही इस्तेमाल किया।
होता है, फिर क्या क्या पुरानी चीजें, वह क्या कितना अच्छा किया इस्तेमाल इसका, देखकर दिल ही खुश हो गया एकदम बढ़िया। पुरानी इतनी बेकार, वो नहीं आ रही है। ये देखो रियो रिडीमर, रिडीमर रियो ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल, ये ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसकी ऊंचाई जो है 124 फीट, चौड़ाई 92 फीट, और इसकी नींव की शुरुआत 1922 में की गई, 1931 में समाप्त हुआ बनकर, और इसको इसके एक साल में 18 लाख लोग इसको देखने आते हैं, और यही अब दिल्ली में भी बनाया गया है रिडीमर रियो। आप इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, तो देखिए इसमें क्या क्या है। इसकी हाइट 25 फीट है जो अभी सामने दिख रहा है आपको, विथ 19 फीट, लेंथ 9 फीट, और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिक पाइप, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, बाइक की चेन, स्प्रिंग ऑफ फोर हेयर, हेयर के लिए बालों के लिए स्प्रिंग यूज़ किए, और हैंड के लिए कार्ट एंड एंगल। तो देखिए 130 दिन में 130 डेज लगे इसे कंप्लीट होने में, और इसमें 115 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ हुआ इसको बनाने में। चल आगे बढ़ते हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। चलो देखिए सामने बैठने का अरेंजमेंट, या सामने देखिए कितनी ग्रीनरी है, इतनी अच्छी ग्रीनरी देखकर दिल वैसे ही खुश हो गया। देखिए साइड में ये भी लगा रखे हैं इन्होंने छोटे छोटे फ्लावर के, वो गमले लगा रखे हैं साइड में, देखिए ग्रीनरी देखिए आप। इस पार्क में मेहनत की है एनसीडी में, इसलिए 50 रुपीज़ के टिकट लेने में कोई दुख नहीं लगता, इतना अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है यहाँ पर, देखकर ही मन खुश हो गया। देखिए ग्रीनरी, बैठे हुए हैं लोग आराम से बैठे हुए हैं, देखिए अब देख रहे हैं कलरफुल डस्टबिन लगा रखे हैं, देखिए घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को उनका। ये देखिए पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है, कौवे काम कर रहे हैं। बैठने का देखिए अरेंजमेंट है, पानी का अरेंजमेंट है, टॉयलेट का अरेंजमेंट भी है, तो ये घूमने के लिए जो है बहुत ही अच्छी जगह है, और अभी नया नया खुला है तो लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। अब लास्ट आ गया हमारा 7th वंडर, पहुँच गए हम, अभी आपको दिखाते हैं। ये है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखिए इसकी हाइट है 32 फीट, विथ 17 फीट, लेंथ 17 फीट, और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है एंगल्स यूज फ्रॉम रिक्शा के एंगल यूज़ हुए हैं, और स्लाइड फ्रॉम चिल्ड्रंस पार्क यूज़ की है मैंने, स्लाइड यूज़ की है, और टी स्टॉल, बेंचेज, हैंड कार्ट, इलेक्ट्रिक मेटल वायर्स, टॉर्च, मशाल इज़ मेड आउट ऑफ बाइक रिम। अभी देखिए मशाल बनाई है बाइक की रिम से, और इसमें 4 टन स्क्रैप यूज़ हुआ है, और इसको 90 दिनों में यानी कि 3 महीनों में ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको फ्लावर्स, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखिए फ्लावर्स, देखिए पत्थर वगैरह इतने सुंदर, ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी हाइट आ रही है, ये देख बैठने का अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, आपको दिखाते हैं हम, देखिए बताओ। ये देखिए, अरे देख तो रहे हैं ये, अरे बाबा इसमें देखिए आप, ये पुल बनाया हुआ है, ये देखिए पुल बना रखा है, लोग जा रहे हैं ऊपर, रेलिंग लगा रखी है साइड में, तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पुल से ऊपर चढ़ाई या फिर चढ़ाई से नीचे आ रही है,
ढलान आ रही है आगे, आपको दिखाती हूँ मैं, ढलान आ रही है। ये देखिए पुल कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा कर रखा है। ये देखिए पत्थरों से, पत्थर पे सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोनों साइड, इस साइड भी लोग बैठे हुए हैं आराम से। अगर घूमते घूमते थक जाए तो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। बाहर को निकल रहे हैं, बस मेन गेट से जा रहे हैं। इस तरह से सेवन वंडर्स का आपका कैसा रहा मुझे बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट लिखिएगा। आपको मैंने सेवन वंडर्स की सैर कराई, देखिएगा आपको ये पार्क कैसा लगा, आप खुद देखने आइएगा। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आप देखने के लिए आइएगा, क्योंकि 50 रुपीज़ के टिकट कोई ज़्यादा टिकट नहीं है। मैं ये मेंटेनेंस के लिए लोग ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पार्क को मेंटेन किया है हमें कोई ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए फिर मैं आज के ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग पे हमसे मिलती है। देखिए यहाँ तक थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो बाहर की साइड निकल।